नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा अभियान। वन्य प्राणी सप्ताह 2021 का किया जाएगा आयोजन। कवर्धा में हुए दंगे से सियासी गरमाई, दुर्ग जिले में भी बढ़ा पारा। हिंदू युवा मंच ने आक्रोश मार्च का किया ऐलान। श्री सती चौरा मंदिर में विशाल कन्या भोज का किया जाएगा आयोजन। इस आयोजन में 5000 से अधिक कन्याओं को कराया जाएगा कन्या भोज। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने छावनी तालाब का किया भूमि पूजन। जल्द ही सौंदर्यीकरण के निर्माण का किया जाएगा कार्य। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्राकृतिक के संरक्षण के लिए इन दिनों जिला प्रशासन कई अभियान चला रही है। इसी के तहत जिले में वन्य प्राणी सप्ताह 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। वन विभाग द्वारा आयोजित मैराथन भिलाई के सेक्टर 9 चौक से आरंभ हुई। लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। लोगों को वन्य जीव के प्रति जागरूक करने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया। प्राणी सप्ताह 2021 का समापन हो रहा, जो समापन सप्ताह था उसका समापन आज 10 किलोमीटर की मैरलेट सरन मैराथन के माध्यम से किया गया। इसमें कुछ लोग 5 किलोमीटर, कुछ लोगों को 10 किलोमीटर का ऑप्शन दिए गए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग सेंसिटाइज हो, अगर हम लोग किसी कॉज के लिए रन कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग जाने, उसके डिटेल जाने। ये केवल आज का आयोजन नहीं है, पूरे सप्ताह भर का आयोजन है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की गई थी। भले ही दुर्ग जिले में वन का प्रेजेंस नहीं है, परंतु दुर्ग जिले में बहुत सारे लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट एंथुजियास्ट हैं, जो एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे लोग फोटोग्राफर भी हैं, तो उन लोगों को जोड़ने के लिए, उन लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए पूरा सप्ताह भर का आयोजन था। इसमें बड़ी संख्या में आज लोग उपस्थित हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में 10 किलोमीटर 5 मिनट का दौड़ आयोजित किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में भिलाई दुर्ग के जो रनर्स हैं, निवासी हैं, उन्होंने बहुत ही जोर से यहाँ पे सहभागिता अपनी दर्शाई है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ वीक पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मनाया जा रहा है, और इसमें वन्य जीवों के प्रति जागरूकता आने के लिए हमने ये दौड़ का आयोजन किया था। इसके साथ साथ में हमने कई पूरे हफ्ता में जो हमने कई प्रकार के आयोजन किया, जिसमें चित्रकला निबंध प्रतियोगिता, उसके साथ साथ में फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन, और आज का जो समापन का दिवस था उसमें हमने 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई थी। तो ये जो आयोजन है, एक वन्य प्राणियों के प्रति जो है हमें सेंसिटाइज, लोगों को सेंसिटाइज करना है, और उनको वन्य प्राणी संरक्षण की दिशा में कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, इसके लिए ये अभिनव प्रयास है। पूरे सप्ताह में कई प्रकार के आयोजन होंगे। दौड़ में मुख्य रूप से CCF शालिनी रैना, कलेक्टर नरेंद्र भूरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा, DFO गणवीर धमशील, नगर निगम भिलाई कमिश्नर प्रकाश सर्वे, ट्रैफिक DSP गुरजीत सिंह, सिटी SP संजय ध्रुव, ग्रामीण ASP अनंत साहू सहित बड़ी संख्या में इस मैराथन में लोग शामिल हुए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कवर्धा में हुए दंगों ने अब दुर्ग जिले में सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिसे लेकर दुर्ग जिले में हिंदू युवा संगठन मंच द्वारा आक्रोश मार्च करने का ऐलान किया गया है। कवर्धा में हुए दंगे के चलते मंच के संयोजक गोविंद राज नायडू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोविंद सहित मंच के अन्य बड़े नेताओं को पुलिस ने अलग अलग जगहों से उन्हें गिरफ्त में ले लिया, तो वहीं मुख्य मार्गों और बाजारों में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे थे, और आने वालों की जाँच और चेकिंग भी की गयी। शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस ने नाकेबंदी भी कर दी थी। देर शाम होते होते सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कवर्धा के मामले पर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कवर्धा में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है ना, वो हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता थे, हमारे हिंदू भाई थे। इस तरह का आक्रोश हम दुर्ग में नहीं होने देंगे। इसलिए हम हिंदू युवा मंच का कार्यकर्ता अभी तो शांतिपूर्वक एक ज्ञापन दिए हैं प्रशासन को। अगर आने वाले समय में अगर कवर्धा जैसा माहौल दुर्ग में अगर होता है, तो उनके लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए चेतावनी है कि इस तरह का माहौल के लिए वो कितने के लिए खुद तैयार रहे। राजनांदगांव जिला प्रशासन एवं बम्लेश्वरी मंदिर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा
दुर्ग प्रशासन को कुछ निर्देश दिए गए हैं ताकि नवरात्रि का जो त्यौहार है उसको बेहतर ढंग से व्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके। उसमें पहला ये है कि जितने भी पदयात्री हैं पैदल मार्च करते हैं माता तक, उन सबको प्रतिबंधित किया गया है। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्ग के गंजपारा स्थित श्री सती चौरा दुर्गा मंदिर में माता रानी का विशेष पूजा अर्चना के साथ इस वर्ष प्रतिदिन कन्या भोजन का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग के गंजपारा स्थित श्री सती चौरा दुर्गा मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर विशाल कन्या भोजन का आयोजन रखा जाता है, जिसमें लगभग 5000 से भी अधिक कन्याएं देवी स्वरूप शामिल होती हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए माता रानी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक सीमित संख्या में कन्या भोजन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नवरात्र के दूसरे दिन मंदिर समिति के द्वारा 101 फीट लंबी चुनरी के नीचे सभी कन्याओं की शोभा यात्रा प्रतिदिन निकाली जा रही है और मंदिर में कन्या भोजन का आयोजन पूरे 9 दिन किए जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम को लेकर मंदिर समिति के सदस्य बंटी शर्मा ने विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग में प्रतिवर्ष हम विगत 5 वर्षों से यहाँ पर महाकन्या भोज का आयोजन करते हैं। वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना महामारी चल रही है, जिसको देखते हुए हम कोरोना महामारी को देखते हुए और सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए महाकन्या भोज ना कराते हुए छोटा रूप में कन्या भोज का आयोजन किए हैं, जिसमें पूरे 9 दिवस तक आयोजन होता था होगा। प्रतिवर्ष यहाँ पर लगभग 4 से 5 हज़ार कन्याओं का एक साथ महाकन्या भोज होता था। उसको अलग अलग भागों में बांटकर अलग अलग स्कूलों से अलग अलग वार्डों से अलग अलग दिन ला रहे हैं और माता की चुंदरी, जिसमें 108 फीट की चुंदरी हम बनवाए हैं, उस चुंदरी के नीचे सभी बच्चियों को और चुंदरी उड़ाकर और सर के ऊपर चुंदरी, पूरे गंजपारा वासी और धर्म प्रेमी अपने सर के ऊपर उठाकर चलते हैं और उसके नीचे छोटी छोटी बच्चियाँ चलती हैं। देश में कन्या माताओं को माता के रूप में पूजा जाए और कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, इस आह्वान को लेकर श्री शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति और जन समर्पण सेवा संस्थान के दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह कन्या भोज का आयोजन किया गया। फिलहाल देवी स्वरूप सभी कन्याओं को भोजन कराकर लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए मंदिर समिति के द्वारा लिया गया यह निर्णय तारीफ़े काबिल है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने छावनी के वार्ड 18 का दौरा किया और वहां गर्मी के लिए तालाब का भूमि पूजन भी किया। भिलाई के दर्री तालाब सामुदायिक भवन के पास जिम खोलने के लिए विधायक महोदय ने विधायक निधि से 5 लाख रुपए का काम किया और साथ ही तालाब के चारों ओर पेड़ लगाए जाने और स्वच्छता कार्यक्रम का कार्य भी सम्पन्न करवाया। छावनी वार्ड 28 में तालाब का भूमि पूजन कर सौंदर्यीकरण भी शुरू किया गया, जो लोगों की काफी समय से मांग थी उसका समाधान हुआ। जो भूमि पूजन के बारे में जो कराया गया था देवेंद्र यहाँ, तो जैसा कि युवा विधायक देवेंद्र यादव जी के इस क्षेत्र में विधायक बनने के बाद से लगातार पूरे भिलाई विधानसभा में विकास कार्य हो रहे हैं, उसी के तहत आज हमारे दर्री तालाब में जो मुक्ति धाम के सामने पेयर बड़ लगाने का काम और सामुदायिक भवन के बाजू में जिम का काम और सौंदर्यीकरण के काम का आज भूमि पूजन हुआ है। इसी तरह लगातार पूरे क्षेत्र में विधायक जी के कर कमलों द्वारा हर समय विकास के लिए प्रयास किया जाता है। आज हमारे वार्ड की पार्षद और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तुलसी पटेल दीदी के वार्ड में यह कार्य हुआ है, इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह के विकास कार्य हमारे क्षेत्र को मिलते रहें। सभी क्षेत्रों की मांग को वह मुख्य रूप से निभा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छावनी वार्ड 28 की पार्षद तुलसी पटेल की मांग को देवेंद्र यादव ने पूरा। यहां के लोग पटेल जी से एवं देवेंद्र यादव से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव जब से भिलाई के विधायक बने हैं तब से सभी क्षेत्रों की मांग को वह मुख्य रूप से निभा रहे हैं। यहाँ पे आज भूमि पूजन हुआ, हमारे तालाब का सौंदर्यीकरण का बहुत पुरानी मांग थी यहाँ पे हुआ है। पहले से कार्य जो अधूरा था तो हम लोग बोले भैया जैसे और जगह भी सौंदर्यीकरण हो रहा है वैसे भी हमारी छावनी में होना चाहिए, तो उन्होंने हमारी मांग को रखी और आज यहाँ दर्री तालाब का भूमि पूजन 48 लाख का हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे मुक्ति धाम के बाजू में जो अधूरा कार्य है वो भी पेवर ब्लॉक का है 3 लाख का, और मंच क्या बोलते हैं जिम सामान का जिम कक्ष निर्माण जो हमारी कुछ युवाओं की मांग थी तो वो भी पूरा किया गया। और मानस बिजली नगर से रामायण मंडली के द्वारा रखी गई थी एक भवन के लिए, तो वहाँ भी 5 लाख का भूमि पूजन का निर्माण हुआ भी, और सतनाम भवन के पास भी वहाँ भी भूमि पूजन हुआ है। तो इतना सारा कार्य हमारे विधायक जी के द्वारा सभी मांग की गई थी हमारी
ग्रामवासी और कुछ समितियों के द्वारा, और यहाँ सुबह से हमारे विधायक जी 7 बजे से दौरा में आए थे, तो दौरा के साथ साथ भूमि पूजन का भी कार्य हुआ। इसके लिए हमारी समस्त ग्रामवासियों की ओर से मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. Celebration Safari, Bar Nawapara Wildlife Sanctuary में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बार नवापारा,
फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वासु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन के बच्चे की हालत काफी नाजुक होने की वजह से एसआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख से बच्चा अब खतरे से बाहर है। जिला अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन के बच्चे को एसआर अस्पताल से रिफर कराया गया। दरअसल एक महिला जिला अस्पताल में अपने डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। बच्चे की नाजुक हालत देखते हुए जिला अस्पताल ने 24 सितंबर को उस बच्चे को एसआर अस्पताल रिफर कर दिया। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में 24 सितंबर को एक 3 दिन का बच्चा आया, जिसे जिला अस्पताल दुर्ग से हायर सेंटर रेफर किया गया। मरीज के परिजन ने एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली पे विश्वास जताया। बच्चे को हमारे यहाँ एनआईसीयू में भर्ती किया गया। बच्चे को तत्काल उपचार की एवं वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। हमारे अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर एसपी केसरवानी एचओडी बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ एवं उनकी टीम ने तत्काल बच्चे का उपचार प्रारंभ किया। आज 6 अक्टूबर को बच्चे की छुट्टी हो रही है। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है, बहुत ही गंभीर अवस्था में आया था। मरीज के जो परिजन थे वो भी बहुत हताश थे, बहुत निराश होकर आए थे। हमारी टीम ने अच्छा प्रयास किया, ईश्वर की कृपा से बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में दुर्ग संभाग के आसपास के बेमितरा, गंडई, कवर्धा, बालोद, राजनांदगांव, साले टेकरी, महाराष्ट्र के आसपास के लगे जिलों से भी मरीज आ रहे हैं। हमारे यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध है। आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, एनआईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी सुविधाएं, हमारे यहाँ एडवांस ट्रामा यूनिट है। किसी भी प्रकार का रोड एक्सीडेंट या कोई भी एक्सीडेंट होने पर पूरी टीम है। हमारे यहाँ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन है, दो हमारे संस्थान में वेस्कुलर सर्जन है, हमारे संस्थान में सभी विभाग के डॉक्टर उपलब्ध हैं। और ईश्वर की इच्छा से वह बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हुआ, जिसके लिए मैं सारी एसआर हॉस्पिटल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मरीज के परिजनों को भी, उनकी माता जो हैं सरस्वती, श्रीमती सरस्वती भाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एसआर हॉस्पिटल पे अपना विश्वास जताया। मरीज जो बच्चा है पूर्णतः स्वस्थ होकर घर जा रहा है। मैं ईश्वर से कामना करूँगा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ रहे। दिनांक 24 सितंबर को 3 दिन के बच्चे को जिला अस्पताल से रिफर किया गया, जो कि बहुत ही गंभीर अवस्था में था। उसको परीक्षण उपरांत हमने यहाँ पे चिखली अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती किया। उनको वह सरस्वती देवी का जो ग्राम परसदा निवासी जिला दुर्ग की है उसका बच्चा था। डिलीवरी उसकी जिला अस्पताल दुर्ग में हुई थी और 2 दिन बाद बहुत गंभीर अवस्था में उसको यहाँ पे रिफर किया गया। बच्चा की जो उसकी सांस की गति बहुत तीव्र गति से चल रही थी, हृदय की धड़कन भी बहुत तीव्र गति से चल रहा था। तो परीक्षण उपरांत उसको हमने वेंटिलेटर सपोर्ट में रखने का निर्णय लिया और 7 दिन तक बच्चे को हमने वेंटिलेटर में रख के उपचार किया। 7 दिन बाद बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट से बाहर कर उसके विभिन्न तरीके से ऑक्सीजन की सपोर्ट दी गई और बच्चा आज 6 अक्टूबर को स्वस्थ होकर हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बच्चा अब अपने सामान्य गति से सांस ले रहा है। बच्चे का वजन बढ़ना प्रारंभ हो गया है, माँ का दूध पीना प्रारंभ कर दिया है। तो इस तरीके से बच्चा एकदम स्वस्थ होने से उसकी माँ भी बहुत प्रसन्न है। यहाँ की सेवा तो बहुत अच्छे, डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छे हैं।
एसआर अस्पताल में बच्चों के डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत काफी नाजुक थी। उसकी सांस काफी तीव्र गति से चल रही थी। बच्चे की भर्ती के उपरांत देरी न करते हुए उसे वेंटिलेटर के सपोर्ट में रखा गया। 7 दिनों तक उसका वेंटिलेटर में उपचार किया गया। एसआर अस्पताल के कड़ी मेहनत और देखरेख के बाद बच्चा बिल्कुल खतरे से बाहर और स्वस्थ है और उसका वजन भी बढ़ना प्रारंभ हो गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिसर के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है। वहीं विधायक अजय चंद्राकर और शिव रतन धरने पर बैठे हैं। कवर्धा में 2 समुदायों के बीच हुए विवाद में अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। पुलिस विभाग की टीम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाख कोशिश कर रही है, लेकिन विवाद को अभी तक सुलझा नहीं पाई। बता दें कि कवर्धा में हुए विवाद का मामला निपटाने के लिए पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के 86 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के 11 कार्यकर्ताओं का अभी कोई अता पता नहीं, जिससे परिषद के कार्यकर्ताओं में रोष है। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार के दिन जेल भरो आंदोलन कर अपना गुस्सा प्रशासन के खिलाफ दिखाया है, जिसमें पूरे जिले भर में 2000 कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को जमानत मुचलके में छोड़ दिया गया है। साथ ही कवर्धा के दिग्गज नेताओं के ऊपर भी FIR दर्ज कर लिया गया है, जिसमें बड़े नाम शामिल हैं। भाजपा के दिग्गज नेताओं को कार्यकर्ताओं के साथ मिलने नहीं दिया गया था, जिसके बाद उन्हें नाराज होकर वापस रायपुर लौटना पड़ा। सर, आज का जो जेल भरो आंदोलन है, अभी तक के जिले में कुल कितने लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है? अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, आज जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम जो आज जो था, उसमें लगभग 2000 के आसपास का लोगों का पूरे जिले में गिरफ्तारी हुआ है। पंडरिया में 78 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है, पोड़ला में 306 लोगों का, चिल्फी में 21 लोगों का और लोहारा थाना में 742 लोगों का, पिपरिया में 213 और पांडातराई में 300, रेंगाखार में 35 लोगों का और कुंडा में लगभग 150 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। और आज मुद्दाओं को लेकर आज आंदोलन किया गया जेल भरो? आज पूरे जिले में, पूरा कवर्धा जिला में आग लगी हुई है और आग लगाने का काम जो सरकार में बैठी है, कांग्रेस की सरकार, वो पूरे आज कवर्धा जिला बस में आग लगी है। आने वाले समय में पूरा प्रदेश में आग लगेगी अगर कहीं समझौता नहीं करते हैं। और हमारे लोगों को जो आज गिरफ्तार किया हुआ है, लगभग 78 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और आज 2000 से ऊपर लोग गिरफ्तारी दिए हैं। और आज के बाद कहीं समय में अगर सरकार अगर समझ नहीं सकती, समझ में नहीं आती है, तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इससे ज़्यादा लोगों का गिरफ्तारी होगा और जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम रखा जाएगा। हाँ, जेल भरो आंदोलन के तहत यहाँ बोडला में कार्यकर्ता आए थे अपनी मांगों को लेकर, उनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और सभी को जमानत मुचलके पर छोड़ा गया है और उनकी जो मांगे थी उनको वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया। मुद्दों पर यहाँ पर जेल भरो आंदोलन किया गया? कवर्धा में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो उनको रिहा करवाने के लिए मांग रखे थे। मुद्दा क्या था? मुद्दा अभी जो घटना हुई है वहाँ कवर्धा में, उसी को लेकर मतलब ये किए थे। प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, प्रशासन ऊपर लेवल पे मतलब ये होगा, वहाँ कवर्धा में अधिकारियों का अवगत करा दिया गया है, अब वो जो भी निर्णय लेंगे। अंजोरा पेट्रोलिंग पार्टी ने रसमड़ा स्थित फाल्गुन प्लांट के समीप से 34 पौवे देशी मसाला शराब को पुलिस ने जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में आरोपी वीरेंद्र साहू से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। अंजोरा पेट्रोलिंग पार्टी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति पीठ में बैग टांगकर शराब को बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग पार्टी ने रसमड़ा स्थित सागौन प्लांट के समीप संदिग्ध अवस्था में ग्राहकों की तलाश कर रहे वीरेंद्र साहू को पकड़ा और बैग की तलाशी ली। तलाशी में आरोपी के पास से 34 पौवा देसी शराब को जब्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई को लेकर अंजोरा चौकी प्रभारी देवशरण सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुखबिर से पता चला था पेट्रोलिंग पार्टी को कि एक व्यक्ति पीछे तरफ पिट्ठू जैसा बैग लटकाया हुआ है, उसमें शराब रख के बेचने के लिए ग्राहक का तलाश कर रहा है। इस पर पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। पेट्रोलिंग पार्टी सागौन जो प्लांट है रसमड़ा में, वहाँ पे पहुँच के देखा तो एक व्यक्ति वास्तव में खड़ा हुआ था जो पीछे पिट्ठू लटकाया हुआ था। उसको रोक के पूछताछ किए तो तलाश किए तो तलाशी में उसके पास 34 पौवा देसी मसाला शराब मिला, जिसे
वही मौके पर ही बरामद कर जब्त किया गया। जब्ती पश्चात उसको गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में लिया गया। फिलहाल आरोपी अभी अकेला ही है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यादव मित्र मंडल द्वारा भिलाई के सेक्टर 6 हनुमान मंदिर में मीटिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां समाज के लोगों ने एक दूसरे से अपने सुख दुख को साझा किया। यादव मित्र मंडल करीब 10 सालों से कार्यरत है। इस मंडल की खास बात यह है कि इसमें कोई पदाधिकारी नहीं है। एक 15-20 लोगों का मुख्य ग्रुप बना दिया गया और इसमें सब अपनी बात रखते हैं। जो बात अधिकतर लोगों को अच्छी लगती है उसका उल्लेख सभा में किया जाता है और उसकी मदद की जाती है। यादव मित्र मंडल विगत 10 साल से सामाजिक कार्य के लिए इसका संगठन का सृजन किया गया है। हम लोग यहाँ पे जो मिले हैं, आज मीटिंग हुई है और ये बहुत ही पुराना संगठन है जो पिछले 10 सालों से चला आ रहा है। यादव मित्र संगठन से जुड़े व्यक्ति सभा में आकर अपना सुख दुख दूसरों से बांटते हैं। ये सभा उनकी जिस प्रकार से संभव हो मदद करती है। इस सभा में मुख्यतः बीसी खेल खेला जाता है जिससे कि लोगों को आर्थिक रूप से मदद चाहिए, उनको मदद मिल जाती है। यादव मित्र मंडल का एक लक्ष्य ये भी है कि इस इस्पात संयंत्र में स्थित व्यक्तियों को सामाजिक तौर से जोड़ा जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जा रहे चावल में प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही हेराफेरी के विरोध में शहर के सभी दुकानों के सामने बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। कोरोना काल की दूसरी लहर में गरीबों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारियों को प्रति सदस्य 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त चावल नवंबर माह तक देने की घोषणा की थी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 60 लाख कार्डधारी परिवार को इसका लाभ मिलना था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने गरीबों के चावल में हेरफेर कर दिया, जिसके चलते राशन दुकानों में प्राथमिकता कार्ड सदस्यों को मुफ्त चावल नहीं दिया गया, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश की सभी राशन दुकानों के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में चंडी शीतला मंदिर स्थित राशन दुकान के सामने भी धरना प्रदर्शन का आयोजन शुक्रवार को किया गया। गरीबों के साथ हो रहे घोटाले को लेकर चंडी शीतला मंडल महामंत्री बंटी चौहान ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर आज जहाँ जहाँ भूपेश सरकार की घोटाले वाली राशन दुकान है वहाँ वहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरना दिया गया है। ये धरना इसलिए दिया गया है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा, कोरोना के दूसरे लहर के समय गरीब परिवार को इस कोरोना बीमारी से कम लड़ने के हिसाब से, सामर्थ्य देने के हिसाब से उनको 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल देने की नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था नवंबर माह तक का। लेकिन अभी देखने से यह पता चल रहा है कि वो गरीबों को राशन पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये घोटाले की तरह उजागर हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि वो चावल कहाँ गया जो केंद्र सरकार ने भेजा, और राज्य सरकार ये कहती कि हमको भेजा ही नहीं, जबकि नरेंद्र मोदी जी का कहना है, केंद्र का कहना है कि वो राशन हम गरीबों के लिए भेज चुके हैं। लेकिन यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है, भूपेश की सरकार है, वो गरीबों का हक मार रही है, गरीबों का चावल मार रही है और गरीबों को 5 किलो चावल दे नहीं पा रही है। इसी विषय को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया कि गरीबों का हक का चावल उनको देना ही पड़ेगा। पूरा परिचय बता दें। बंटी चौहान, चंडी शीतला मंडल महामंत्री। प्रधानमंत्री खाद्यान्न अन्न योजना के तहत जो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मिलना चाहिए था, लगभग 1,03,85 मेट्रिक टन केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जो कि संबंधित मंत्री अमरजीत भगत ने एक्सेप्ट किया है विधानसभा में, वो अभी तक हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को मिला है लेकिन 2/3 लोगों को नहीं मिला है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं मिला है। उसमें राज्य सरकार बहुत कोताही बरत रही है। आज हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं हमारे प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार राशन दुकानों में। हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं कि दाना दाना हितग्राहियों के पास पहुंचे, दूसरा जो भी पहले हितग्राहियों को चावल नहीं दिया गया है उसका राज्य सरकार नगद भुगतान करे, तीसरा जो संबंधित इसमें संलग्न है जिन्होंने कोताही बरती है, जो राशन नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और चौथा राज्य सरकार हितग्राहियों से माफी मांगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।